तारीख 12 मई 2013, जगह कंवर सिंह तंवर सेवा केंद्र गजरौला। हर तरफ गाजे बाजे की आवाज, हर तरफ जश्न का माहौल। मेहमान लगभग 10,000 से ज्यादा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। किस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, वो आग कहीं भी जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। तारीख 14 मई 2013, जगह कंवर सिंह तंवर सेवा केंद्र गजरौला। शादी के बंधन में बंधने जा रहे खुशनुमा चेहरे, दुआएं देते उनके परिवार। मेहमान लगभग 10,000 से ज्यादा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भव्यता से भरे इन समारोह को देखकर आपको लग सकता है कि जरूर किसी ऊंचे ओहदे वाले या फिर नामी साख वाले परिवार की शादी होगी। लेकिन असल में वो दुल्हा दुल्हन जिनकी शादी हो रही है वो बहुत ही आम हैं। यहां तक कि कुछ दिन पहले तो वो ऐसी शादी की कल्पना भी नहीं करते थे। लेकिन एक शख्स उनकी जिंदगी में आया और उन्हें ये एहसास कराया कि खुशियों और उमंगों पर सिर्फ पैसे वालों का ही हक नहीं है। फरिश्ते सरीखे इस शख्स का नाम है कंवर सिंह तंवर। कंवर सिंह जी ने समय समय पर हर जरूरतमंद और गरीब की मदद करने के लिए अनगिनत काम किए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कंवर सिंह सेवा केंद्र के अंतर्गत 12 मई और 14 मई को सामूहिक विवाह का आयोजन कराया। सामूहिक विवाह के इतिहास में यह सबसे बड़ा और भव्य आयोजन था। गरीबी के थपेड़ों को सहते ये मां बाप अपनी बेटी को आज दुल्हन बने देख रहे थे। मंडप में सजी हुई उनकी बेटी आज एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही थी। कुछ महीने पहले बेटी की शादी उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। बेटी के हाथ पीले करने थे लेकिन खुद के हाथ खाली थे। उसकी शादी की चिंता दिन रात मां बापों को खाए जाती थी। ना वो ढंग से सो पाते थे और ना ही ढंग से खा पाते थे। लेकिन कुछ महीनों में ही उनकी सारी चिंता खत्म हो गई। आज वो अपनी बेटी को धूमधाम से विदा कर रहे हैं। इन महीनों के दौरान सिर्फ एक ही खास बात हुई थी, कंवर सिंह जी से उनकी मुलाकात। बारह मई और 14 मई को धूमधाम से हुए इन समारोहों में गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले हिंदू और मुस्लिम लड़कियों का विवाह संपन्न हुआ। माना जाता है कि एक लड़के और एक लड़की के लिए शादी का दिन एक ऐसा दिन होता है
जो जिंदगी के यादगार लम्हों में शुमार हो जाता है। इसलिए कुंवर सिंह ने इस दिन हर जोड़े को खास होने का एहसास दिलाने की हर कोशिश की। समारोह स्थल में हर जोड़े के लिए मंडप तैयार किया गया। सामूहिक जो शादी होती है वो एक हमारे किसान या गरीब भाई या मजदूर भाइयों की बेटियों की शादी, जैसे हमने परसों भी रखा था 12 तारीख को प्रोग्राम, और आज भी रखा है हमने, अलग अलग रखा था, हिंदू फैमिलियों का अलग, मुसलमान भाइयों के अलग। एक शादी में टेंट का, पंडाल का, खाने का बहुत खर्चा होता है, उसको हमने उस लेवल पर लेके आए हैं कि एक उनको जो है ये शादी है वो अपने घर जैसी लगे, क्यों हमने उनका अलग अलग टेंट लगाया हुआ, आपने देखा होगा, और एक पंडाल हमने ऐसा लगाया कि उनको वो भी नज़र आए कि हमारी बेटी गरीब नहीं है, हम भी मतलब अच्छी, हमारी शादी अच्छा खाना है, अच्छा हुआ है। क्षेत्र के आसपास के लोगों ने भी इस भव्य आयोजन में बढ़ चढ़ कर शिरकत की। कंवर सिंह जी चाहते थे कि क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा लोग इस खुशी का हिस्सा बने। इसलिए शादी के इस आयोजन में 1000 गांव के प्रधान और क्षेत्र के गणमान्य लोग दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहे। शादी करने आए परिवारों के लिए तो ये लम्हे कभी न भूलने वाले एक ख्वाब की तरह थे। वो ये सोचते हैं कि पता नहीं हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारे को घर जैसा माहौल मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो लोग आए और उन्होंने देखा अगर ये तो वाकई हमारा घर है, हम अपनी बेटी की शादी यहाँ कर रहे हैं तो ये तो हमारा परिवार जैसा लगता है, हमको परिवार जैसा घर यहाँ लगा, तो वो तब राजी हुए सामूहिक शादी के लिए। उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से पहली बार, या तो आपने देखो एक बार लखनऊ में हुआ या यहाँ पर हुआ है, तो इससे आने वाले टाइम में और लोगों में रुचि आएगी, क्योंकि अभी चाहे कितना भी गरीब हो वो ये सोचता है कि मैं दूसरे के घर में शादी नहीं करूँगा, लेकिन जब यहाँ पर वो लोग आए, उन्होंने देखा, बेटी वालों ने देखा, बेटे वालों ने देखा, तो उनको लगा अच्छा अभी ये तो हमारे वाकई में, हमें तो ऐसा लग रहा है जहाँ अपने परिवार में घर में आके शादी कर रहे हैं, इसलिए लोग राजी हुए। और ये मैं तो चाहता हूँ आगे ये कार्यक्रम चलते रहें और लोगों में प्यार आपस में बना रहे। चौधरी कंवर सिंह तंवर ने इस समारोह का आयोजन ही नहीं किया बल्कि इससे जुड़े इंतजामों का भी जायजा लिया। मेहमानों के लिए कोई कमी ना हो इस बात पर गौर किया। सभी जोड़ों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और दूल्हा दुल्हन के परिवारों का शुक्रिया भी अदा किया। यही नहीं, उन्होंने ये प्रण भी लिया कि वो हर साल इस तरह का सामूहिक विवाह आयोजित करेंगे। क्षेत्र के लोगों ने भी कंवर सिंह तंवर जी के द्वारा कराए गए गरीब लड़कियों के इस विवाह को सराहा और इस कदम के लिए उनकी तारीफ की। और यहाँ नहीं, जहाँ से इनको इलेक्शन नहीं लड़ना वहाँ भी खर्च कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। तो इससे अंदाज होता है कि इनका मिजाज है, इलेक्शन का लालच नहीं है। मैं सबसे पहले तो इनके लिए भगवान से और अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि इन्हें स्वस्थ रखें और जो इनके अंदर जज्बा पैदा हुआ है गरीब और समाज सेवा का, गरीबों की सेवा का, वो अल्लाह ताला इनको उसमें कामयाबी दिलाए। और ऐसे लोग हर समाज में होने चाहिए, हर बिरादरी में होने चाहिए, जो समाज की और गरीब लोगों की सेवा कर सके। जितना उल्लास कंवर सिंह जी ने 12 मई को हिंदू समाज के सामूहिक विवाह में दिखाया, उतना ही उल्लासित वो 14 मई 2013 को भी दिखे। क्षेत्र ने फिर एक शानदार जलसे में शिरकत की। हमारे कुछ रीति रिवाज हैं, हिंदुओं के अलग हैं तो मुस्लिम भाइयों के अलग हैं, तो हमने तो उनको दोनों के उनकी भावनाओं का ठेस ना पहुंचे, हमको हमने अलग अलग किए। मौका था मुस्लिम समाज की गरीब लड़कियों की शादी का। कंवर सिंह जी शादियों के जरिए सर्व धर्म समाभाव को भी बढ़ा रहे हैं। हम अपनी बेटी की शादी यहाँ कर रहे हैं तो ये तो हमारा परिवार जैसा लगता है, हमको परिवार जैसा घर यहाँ लगा, तो वो तब राजी हुए सामूहिक शादी के लिए। उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से पहली बार, या तो आपने देखो एक बार लखनऊ में हुआ या यहाँ पर हुआ है, तो इससे आने वाले टाइम में और लोगों में रुचि आएगी, क्योंकि अभी चाहे कितना भी गरीब हो वो ये सोचता है कि मैं दूसरे के घर में शादी नहीं करूँगा, लेकिन जब यहाँ पर वो लोग आए, उन्होंने देखा, बेटी वालों ने देखा, बेटे वालों ने देखा, तो उनको लगा अच्छा
अभी ये तो हमारे वाकई में हमें तो ऐसा लग रहा है जहाँ अपने परिवार में घर में आके शादी कर रहे हैं, इसलिए लोग राजी हुए। और ये मैं तो चाहता हूँ आगे ये कार्यक्रम चलते रहें और लोगों में प्यार आपस में बना रहे। सभी धर्मों की शादी को आयोजित करके कंवर सिंह जी समाज को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि एक गरीब की बेटी की शादी को सही तरह से संपन्न कराना हम में से हर व्यक्ति की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम इस जिम्मेदारी को समझकर एक साथ इस दिशा में कदम उठाएंगे तो हमारे गरीब भाई बहन अपनी जिंदगी को खूबसूरती के साथ जी सकेंगे। मैं दुआ करता हूं कि आप सब सबकी जिंदगी में आई ये खूबसूरत घड़ी आपके लिए खुशहाली लेकर आए। मुझे तहे दिल से खुशी होती है और साथ में ये जिम्मेदारी का एहसास भी होता है कि मैं भी गरीब लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करूं, अपने पिताजी की तरह मैं भी बनूं। शादियों में जहां एक ओर भव्यता थी तो वहीं दूसरी तरफ भावनाएं भी जुड़ी थी। कंवर सिंह जी ने एक अभिभावक का फर्ज निभाते हुए शादी के मंडप में फेरे लेने वाले और निकाह कबूल कराने वाले सभी जोड़ों को उपहार स्वरूप घर गृहस्थी चलाने के लिए जरूरी चीजें भी दी। शादी, वैसे तो ये शब्द खुशियों और उमंगों की ही याद दिलाता है, लेकिन बेटी अगर अविवाहित हो और माँ बाप गरीब हो तो उनके लिए ये शब्द किसी मुश्किल से कम नहीं होता। गरीबों के इस दुख को महसूस करते हुए समाज सेवी चौधरी कंवर सिंह तंवर जी समय समय पर करा रहे हैं सामूहिक विवाह। और साथ ही अपने इस प्रयास को जारी रखने का प्रण भी वो लेते हैं, वो भी भव्य तरीके से, ताकि अमीर हो या गरीब, शादी के नाम पर बस खुशियां और उमंगे ही याद रहे। वो बेटी जिसे पूरी जिंदगी सीने से लगाकर रखा, आज पराई हो रही है। वो कदम रख रही है एक नई जिंदगी में। वो जिंदगी उसके लिए खूबसूरत हो, यहां मौजूद हर मां बाप बेटी की विदाई के वक्त यही दुआएं दे रहा है। आंखों की ये नमी बता रही है कि आंसू खुशी के भी होते हैं और खुशी के ये आंसू उमड़ आते हैं उस फरिश्ते से मिलकर भी जिसने उनके बच्चों के लिए वो किया जो वो खुद नहीं कर पाए। यही मेरी भगवान से दुआ है, यही मैं कामना करता हूं। आकाश, जो कंवर सिंह तंवर सेवा केंद्र में जो कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम आगे भी हर साल होता रहे और हमारा उन बच्चों के साथ, हमारे सभी सेवा केंद्र के और साथियों का सहयोग उनके साथ बना रहे। और मैं उन माँ बापों को दुआ बधाई दे सकता हूँ और दुआएं दूंगा, भगवान से भी यही कहूंगा कि बच्चे खुश रहे, सदा सुखी रहे। परिवार, ये सब परिवार है, इसमें आपका हमारे यहाँ तो वेलकम है। जिसने उनके वो ख्वाब भी पूरे किए जिन्हें वो गरीबी के अंधेरे में देख ही नहीं पाए, ऐसे इंसान कंवर सिंह तंवर जी से मिलकर आखिर क्यों ना आए आंखों में खुशी के आंसू। और मैं सभी परिवार जो मेरा आया हुआ है मेहमान, मैं सबको बधाई देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। आने वाले टाइम इन बच्चों के लिए खुशियाँ हो, माँ बाप के खुशी दिन भरे रहें।